स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं अपने किचन में बहुत ही टेस्टी सा शक्करपारा बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो आप इस दीपावली पे इसे ट्राई करें और फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कप मैदा, 1/2 कप शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है इसमें, देसी घी 2 टीस्पून। सबको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं और भी बहुत सारी दीपावली स्पेशल रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको उसे देखना है तो ऊपर में आई बटन आएगा, उसे क्लिक करके देख ले। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। डो तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाटर का यूज करेंगे। वाटर 1/4 कप है। इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसका हार्ड डो हम लोग बना लेंगे। इसे हम लोग बिल्कुल हार्ड डो बनाएंगे, इस चीज का आप जरूर ध्यान दें। और वाटर आप लोग 2 से 3 बैच में इसमें ऐड करें। 5 मिनट हम लोग इसे रेस्ट देंगे, उसी बीच हम लोग ऑयल को भी हीट कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, डो हम लोगों को बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम लोग डो में से 2 पार्ट कर लेंगे और इसका बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो बॉल्स बन के रेडी हो चुका है। इसे हम लोग मैदे से डस्ट करेंगे और हल्का सा इसे फ्लैट कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर से हम लोग मैदे का डस्ट करेंगे, रोलिंग पिन के हेल्प से हम लोग इसे फ्लैट करेंगे। ज्यादा इसे पतला नहीं करना है, इसे मोटा ही हम लोग फ्लैट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का डो फ्लैट हो चुका है, इसका थिकनेस आप देख सकते हैं। इसे हम लोग डायमंड शेप में या फिर स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में कट करूंगी। और भी जो है इसी तरह हम लोग उसे भी कट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल को पहले से हीट कर ली हूँ, ये पूरी अच्छी तरह से हीट हो चुका है। इसी स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे शक्करपारा। इस वक्त आप इसके फ्लेम को हाई रखें। इसे लाइट ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे, इसे ज्यादा अभी आप ना चलाएं। थोड़े देर बाद इसे टर्न करें। इसे हल्के हाथों से आप इसका साइड चेंज कर दें। तो यहाँ पे हम लोगों का शक्करपारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसे हम लोग डिश आउट कर लेंगे किचन टॉवल पेपर पे। तो चलिए हम लोग इसका प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का शक्करपारा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे ठंडा करें और सॉर्ट करें, बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा। आप एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें और फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। मैं टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।